Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। रात को झाड़ू मारना कैसा है? खबरदार कहीं आप भी ये काम नहीं कर रहे। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रात को झाड़ू देना ठीक नहीं होता। हम अक्सर सुनते हैं कि हम लोग दूसरों को मना कर रहे होते हैं कि रात को झाड़ू मत दें, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे क्या वजह है? एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि अली, मेरे 3 बच्चे हैं और शोहर भी, वो सब कमाने जाते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है। मुसीबतें और परेशानियां मेरे घर में डेरा डाले हुए हैं। ऐसा क्या करूँ कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत हो जाए और तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाए? इस औरत की बात सुनकर हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ औरत, जिस घर में बददुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। तो वो औरत हैरान और परेशान होकर कहने लगी, ऐ अली, मेरे घर के लिए बददुआ कौन करता है? तो इस पर आपने फरमाया कि बताओ कि तुम अपने घर की सफाई किस वक्त करती हो? तो वो औरत कहने लगी, ऐ अली, सफाई का तो कोई वक्त नहीं होता, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात की सफाई हो जाती है। तो इस पर आपने फरमाया कि औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठकर किया करो, रात को नहीं, क्योंकि जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूकात घरों के कोने पकड़कर आराम करती हैं, सुबह का इंतज़ार करती हैं और अल्लाह ताला की बात करती हैं। जब कोई शख्स रात के वक्त झाड़ू देता है या सफाई करता है तो वह कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में इधर उधर भटकती रहती है और बददुआ भी करती है। ऐ अल्लाह, अपनी किसी मखलूक की पुकार को रद्द नहीं करता, लिहाजा इस बददुआ की वजह से घर से खुशहाली और रिस्क दूर चले जाते हैं, इसलिए आइंदा रात को झाड़ू मत देना। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने घर वालों को भी बताएं, अगर आप घर वाले सुन रहे हैं तो रात को झाड़ू देना किस तरह है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।